मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 5 का पार्ट 12 मज़ेदार कबड्डी से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, कबड्डी का गेम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इस बारे में हम जो पढ़ेंगे उसे इस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। यानी कि इसमें जो बताया जा रहा है कि इसमें बच्चे जो कबड्डी खेल रहे हैं उसका पूरा विवरण है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य है। शारीरिक शिक्षा खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए, तो इसमें जो शारीरिक शिक्षा का जो टीचर हैं वो उनको इसके अभ्यास करवा रहे हैं। शारीरिक शिक्षक पी विशल, विशल का मतलब क्या होता है, सीटी बजाते हुए, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास की बजाय विश्राम हो जाए, विश्राम मतलब आराम हो जाए, चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ, आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा, क्या सब सुनोगे। अब जो शारीरिक शिक्षक है वो बता रहे हैं कि आज मैं तुम्हें कबड्डी के खेल की जानकारी दूंगा। हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा। सभी बच्चे क्या हो गए, खुश हो गए और कहने लगे कि हाँ गुरुजी, आज आप हमें ये सब कबड्डी के बारे में जानकारी बताइए। मांगीलाल, अब मांगीलाल क्या कहता है, गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया, जो हाफ पैंट होता है उस टाइप में, वो कहता है कि गुरुजी देखो मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया, मोहन। और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। शारीरिक शिक्षक हंसते हुए बोले, देखो भाई लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल गला नेकर या बनियान पकड़ना फाउल है। फाउल मीन्स मतलब जब कबड्डी का खेल जब खेला जाता है तो बाल गला नेकर और बनियान अगर इसको टच हो जाता है या पकड़ा जाता है तो उससे फाउल माना जाता है। फाउल का मतलब क्या होता है, आउट माना जाता है। टीना, ये फाउल क्या होता है, शारीरिक शिक्षक अब इन्हें समझाते हुए कहते हैं, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। मतलब जब कोई भी गलत नियम इसमें किया जाता है तो उसको आउट यानी कि उसको उसे खेल से बाहर निकाल दिया जाता है नियम टूटने पर। सकीना, गुरुजी यह रेफरी कौन होता है। अब गुरुजी बोलते जैसे ही रेफरी का नाम लेते हैं शारीरिक शिक्षक, तो सकीना का क्वेश्चन होता है, सकीना प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी ये रेफरी का मतलब क्या होता है, कौन होता है रेफरी। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं, मैच खिलाने वाले रेफरी, अंपायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। रेफरी क्या होता है, एक निर्णय करने वाला, डिसीजन करने वाला कि कौन आउट हो गया है, कौन सही खेल रहा है, इस टाइप से। गीता, अब गीता क्या कहती है, हाँ अब समझी इनके गले में लाल काली विशल भी लटकी होती है, मोहन, और वो ऐसे बजाते भी हैं मुंह से सीटी बजाते हुए। सभी बच्चे एक साथ ठहाका लगाते हैं, सभी बच्चे एक साथ हंसने लगते हैं। तो सलीम, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है जसबीर, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। शारीरिक शिक्षक, अरे वाह अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कबड्डी का जो खेल होता है उसके विषय में सभी जो बच्चे होते हैं बारी बारी से अपना प्रश्न करते हैं कि कबड्डी खेलते समय जो कबड्डी कबड्डी बोला जाता है उसका उच्चारण बिना सांस तोड़े होता है, अगर ये बीच में बिना सांस तोड़े ना हो तो इसमें आउट माना जाता है। ठीक है, आया बच्चों समझ में आपको। नेक्स्ट, गोपाल, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं, सब जोरदार ठहाका लगाते हैं। मतलब जैसे ये प्रश्न पूछता है गोपाल कि कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं, तो सब जोर से हंसने लगते हैं।